Hello students, welcome to my YouTube channel Mathetic Maths Adda. Myself Vinay pandey. Students B.sc first year ki limits and continuity ki series mein aaj ka jo next video hai isme hum types of discontinuity padhenge. जो इसके पहले के वीडियोस थे मैंने आपको लिमिट्स और कंटिन्यूटी में डिफरेंस बताया था. कंटिन्यूटी किसी भी फंक्शन की कैसे निकाली जाती है और लिमिट कैसे निकाली जाती है, दोनों में डिफरेंस भी बताया था कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ गई तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, और अगर उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी इन दोनों के इक्वल आ जाए तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर. तो इसके न्यूमेरिकल्स भी हमने किए थे. आज हम देखेंगे कि फंक्शन जो डिसकंटीन्यूअस होगा यानी कि कंटीन्यूअस नहीं होगा तो उसमें किस किस टाइप की डिसकंटीन्यूटी होती है. अगर देखा जाए जनरली तो डिसकंटीन्यूटी के काफ़ी टाइप्स हैं, तो उनके कुछ मेन टाइप्स में आज आपको बताने जा रहा हूँ. उन टाइप्स को देखते हैं कि किस केस में फंक्शन जो है किस तरीके का डिसकंटीन्यूअस फंक्शन होगा. जो पहला है वो है रिमूवेबल डिसकंटीन्यूटी. इसके नाम से आपको पता लग रहा होगा कि अगर फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है लेकिन अगर उसकी डिसकंटीन्यूटी को हम रिमूव कर दें या उसकी कंटीन्यूटी होने के चांसेस अगर हैं कि हम कुछ चेंजेस करें कि फंक्शन कंटीन्यूअस हो जाए, तो उस तरीके की डिसकंटीन्यूटी को बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटीन्यूटी. इसकी कंडीशन क्या है, एफ ए प्लस जीरो से यहाँ पे मतलब है राइट हैंड लिमिट, ये क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करेंगी और दोनों इक्वल भी आएंगी, लेकिन उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इन दोनों के इक्वल नहीं होगी. फॉर एग्जांपल जैसे लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकाली वो टू आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी टू आ रही है, लेकिन फंक्शन जो है उस फंक्शन की ए पॉइंट पे जो वैल्यू है वो जीरो है, तो ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं, ये जो थर्ड वैल्यू है वो इक्वल नहीं आ रही है. अगर इस फंक्शन की वैल्यू को हम इस ए पॉइंट पे टू कर दें तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी, यानी कि जो डिसकंटीन्यूटी है वो रिमूव हो गई. तो इस तरीके की डिसकंटीन्यूटी को हम क्या बोलेंगे, रिमूवेबल डिसकंटीन्यूटी. तो आपको याद क्या रखना है कि इस केस में फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आएंगी, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी. लिमिट एग्जिस्ट करने के साथ उसकी जो फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर होगी वो वैल्यू जो है इन दोनों से डिफरेंट आ रही होगी, तो वो कैसी कंटीन्यूटी डिसकंटीन्यूटी हो जाएगी, रिमूवेबल. सेकेंड डिसकंटीन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, इसमें क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में से इसमें क्या होगा कि एफ ए क्या है उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, या तो राइट हैंड लिमिट और ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी, ये वैल्यू इनसे डिफरेंट होगी, या फिर ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी जो इसकी राइट हैंड लिमिट है वो अलग हो जाएगी. तो उस फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू या तो लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए या फिर राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए, और ये जो वैल्यू है इन दोनों में से कोई एक केस एग्जिस्ट करना चाहिए. अगर ऐसी कंडीशन आती है तो उसको हम बोलते हैं डिसकंटीन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड. डिसकंटीन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड में क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे, और एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो इसका मतलब वो कैसे डिसकंटीन्यूटी हो जाएगी, डिसकंटीन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड. इनफाइनाइट डिसकंटीन्यूटी, इसके नाम से पता लग रहा है कि ये राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इन दोनों में से कोई ना कोई एक जो लिमिट है वो या तो प्लस का इन्फिनिटी उसका आंसर आ रहा होगा या फिर माइनस का इन्फिनिटी उसका आंसर आ रहा होगा. एक अभी जंप ऑफ डिसकंटीन्यूटी भी होती है, वो मैं आपको न्यूमेरिकल में बताऊंगा कि हमको कैसे हम जंप ऑफ फंक्शन कैसे निकालते हैं. तो रिमूवेबल डिसकंटीन्यूटी में क्या होगा कि उसकी जो डिसकंटीन्यूटी है वो अगर रिमूव हो जाए तो उस डिसकंटीन्यूटी को रिमूवेबल बोलेंगे. फर्स्ट काइंड में क्या है, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू या तो राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए. अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो सेकेंड काइंड. इनफाइनाइट डिसकंटीन्यूटी में लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट दोनों में से एक लिमिट क्या होनी चाहिए, तो प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस का इन्फिनिटी. अब इन डिसकंटीन्यूटीज पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं. देखिए न्यूमेरिकल क्या है, फंक्शन एफ एक्स दिया है, अगर एक्स की वैल्यू नॉन जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू ये है, और एक्स की वैल्यू अगर जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है वन. आपको प्रूव करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा और उसके बाद बताना है कि ये डिसकंटीन्यूटी किस टाइप की है. तो पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट निकालते हैं. राइट हैंड लिमिट क्या थी, एफ जीरो प्लस जीरो, राइट हैंड लिमिट है, जीरो पे हम
चेक कर रहे हैं लिमिट एच, आप इसको अगर डिटेल में लिखना चाहें जो मैंने आपको पहले के वीडियोस में बताया था तो हम उसी तरीके से इसको करें। तो राइट एंड लिमिट का फॉर्मूला क्या था, लिमिट किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, जीरो पे, जीरो प्लस एफ एक्स लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ जीरो प्लस एच। जीरो प्लस एच का मतलब जीरो में हम कुछ एक छोटा सा नंबर ऐड कर रहे हैं तो जीरो से बड़ा नंबर होगा और जीरो से बड़ा नंबर है तो फंक्शन आपको ये लेना पड़ेगा। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एक्स की जगह पे क्या रखना है, जीरो प्लस एच यानी कि एच एच ई की पावर वन अपॉन एच अपॉन वन प्लस ई की पावर वन अपॉन एच। एच की वैल्यू अगर हम जीरो डायरेक्टली रखते हैं तो वन अपॉन जीरो क्या होगा, इन्फिनिटी, और ई की पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। तो हम क्या करते हैं, ई की पावर वन अपॉन एच को कॉमन लेकर के कैंसिल कर देते हैं, और अगर कैंसिल करेंगे क्या बचेगा, एच यहाँ से हमने कॉमन लेकर के इसको कैंसिल किया, यहाँ से भी कॉमन लिया तो इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, वन अपॉन ई की पावर वन अपॉन एच, और यहाँ बचेगा वन। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, एच की जगह पे जीरो रख दिया, एच की जगह पे जीरो रखें तो वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी, ई की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी, और वन अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो प्लस वन, जीरो अपॉन वन कितना आ जाएगा, जीरो। तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ जीरो माइनस एच। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच की जगह पर हमको क्या रख देना, माइनस एच, माइनस एच ई की पावर वन अपॉन माइनस एच वन प्लस ई की पावर वन अपॉन माइनस एच। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस एच, ये अपॉन में जाएगा ये पूरा टर्म तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव वन प्लस, ये भी अपॉन हो जाएगा तो वन अपॉन ई की पावर वन अपॉन एच। लिमिट अगर हम लगाते हैं, अगर हम लिमिट लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एच, या इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, माइनस एच और वन, एच की जगह पे जीरो रखना है और वन अपॉन, ये एच की जगह पे जीरो रखनी तो वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी, ई की पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो, जीरो इंटू जीरो वन प्लस, ये भी जीरो हो जाएगा तो ये भी क्या आ गई वैल्यू, जीरो। तो राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, जीरो। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है, जीरो। तो फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट आ रहा है राइट हैंड लिमिट के इक्वल, और दोनों क्या आ रहे हैं, जीरो। बट फंक्शन कंटिन्यूस तभी होगा जब एफ जीरो की वैल्यू भी जीरो आनी चाहिए, लेकिन एफ जीरो कितना दिया हुआ है, वन। तो इसका मतलब एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो। लेकिन अभी मैंने जो आपको टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताया उसमें फर्स्ट रिमूवेबल जो बताया था, या ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं उसको, उस डिसकंटिन्यूटी में क्या था, लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी, दोनों इक्वल भी होंगे, लेकिन उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू उनसे डिफरेंट होगी। अगर एफ जीरो भी हमको क्वेश्चन में जीरो दिया होता तो फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी क्या हो जाती, रिमूव हो जाती। तो इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूटी किस टाइप की हो गई, रिमूवेबल। क्यों, क्योंकि जीरो पे फंक्शन की जो डिसकंटिन्यूटी है वो सिर्फ इस वैल्यू की वजह से हो रही है, अगर हम इसको चेंज करके जीरो कर दें तो फंक्शन ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, डिसकंटिन्यूस, सॉरी कंटिन्यूस। देखिए सेकंड न्यूमेरिकल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, क्योंकि ये काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स में पहले भी पूछा गया है। तो फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपने पढ़ा होगा कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर आप जैसे 1.5 वैल्यू रखते हैं तो इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो आंसर आ जाता है, ऐसे 1.9 होगा तो उसका आंसर भी क्या आएगा, 1। लेकिन अगर नेगेटिव कोई नंबर होता है, -2.9 है, तो -2.9 के केस में इसका आंसर आता है -3, या -3.5 है तो इसका आंसर क्या आता है, -4। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपने पहले पढ़ा होगा। तो इस फंक्शन को आपको प्रूफ करना है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस तो होगा ही, क्योंकि नेचर आपसे पूछा है डिसकंटिन्यूटी का, तो बताना है कि किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी इसमें है। तो उसके लिए इसके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमको निकालनी होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर बात करें, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ जीरो माइनस एच। जीरो माइनस एच का मतलब क्या हो गया, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ रखिए आप जीरो माइनस एच माइनस
ये वैल्यू अगर आप यहां रखेंगे तो क्या होगा, 0 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसको ध्यान से देखिए, 0 माइनस h का मतलब क्या है, 0 माइनस h का मतलब है 0 से हमने एक बहुत छोटा नंबर माइनस किया। अगर नंबर लाइन की बात करें, ये 0 है, ये माइनस 1 है और ये आपका 1। ध्यान से देखिएगा आप इसको, 0 से अगर आपने बहुत छोटा नंबर माइनस किया तो वो नेगेटिव का नंबर आ जाएगा, और उस नेगेटिव नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर निकाला जाए तो उससे पहला इंटीजर आंसर आता है। जैसे माइनस का 0.5 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर आप निकालेंगे तो ये कितना आएगा, माइनस 1, उससे पहला जो इंटीजर है वो आंसर में आता है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इनके और इनके बीच में अगर आ रहा है तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1 माइनस 0 माइनस h। इसको ध्यान से देखिए, 0 माइनस h क्या है, इसके और इसके बीच में आएगा नेगेटिव है और फिर से आगे से क्या है, माइनस है। तो जैसे अगर माइनस का 0.5 आ रहा था तो माइनस का 0.5 में फिर जी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 0.5 यहाँ कहीं आ जाएगा, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे तो उससे पहला जो इंटीजर है वो आंसर आएगा। तो इसका मतलब कितना हो गया, 0। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ वैल्यू रखिए 0 प्लस h माइनस माइनस 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। फिर से ध्यान से देखिए, 0 प्लस h का मतलब 0 में एक बहुत छोटा नंबर आपने ऐड किया तो वो यहाँ कहीं इसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो फिर से कितना आ जाएगा, 0। 0 प्लस एच, 0 के बाद का कोई छोटा सा नंबर होगा उसमें माइनस आ रहा है तो फिर वो नंबर फिर से इधर आ जाएगा, और किसी भी अगर वो नंबर यहाँ पर आ रहा है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1। तो इस केस में इसका आंसर कितना आ गया, 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्योंकि दोनों ही जो वैल्यूज हैं वो अनइक्वल आ रही है। तो इतना तो क्लियर है कि फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, और इसके साथ साथ f 0 अगर हम निकालेंगे तो 0 0 यहाँ रखेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो अगर हम बात करें कि फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस है, वो क्लियरली हमको दिख रहा है, किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है उसके लिए क्या करेंगे। देखिए आप, अगर मैं ग्राफिकली इसको देखूँ, 0 पे हम फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही थी, -1, वो यहाँ हो गया -1, क्योंकि y की वैल्यू होती है fx की वैल्यू, ये वैल्यू आ रही है 0 पे, फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, और राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, प्लस का 1। तो ये तीन पॉइंट है, हो क्या रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में जो फंक्शन है वो सीधा जंप करके 1 पे चला जा रहा है, -1 से +1 के बीच में। मतलब ये जो फंक्शन है लेफ्ट हैंड लिमिट में यहाँ पे है, 0 पे यहाँ पे है, और राइट हैंड लिमिट में सीधा फंक्शन यहाँ चला जा रहा है। तो फंक्शन की जो डिसकंटिन्यूटी होगी वो होगी फर्स्ट काइंड। अब फर्स्ट काइंड में आप कहेंगे कि फर्स्ट काइंड तो डेफिनेशन कुछ और बताई थी मैंने, लेकिन फर्स्ट काइंड प्लस जंप ऑफ द फंक्शन। जंप ऑफ द फंक्शन क्यों बोला इसको, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी जो है वो कंटिन्यूटी जो है, जो फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है उसके बीच में जो फंक्शन है वो जंप कर रहा है, और जंप ऑफ द फंक्शन कितना जंप कर रहा है, 1 से, जो उनकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का डिफरेंस होता है उसी को हम बोलते हैं कि जंप ऑफ द फंक्शन। जंप ऑफ द फंक्शन 1 माइनस माइनस 2, यानी कि कितने का जंप किया इसने, 2 का। तो फंक्शन की जो डिसकंटिन्यूटी होगी वो होगी फर्स्ट काइंड प्लस जंप ऑफ द फंक्शन। ये दोनों डिसकंटिन्यूटी जो इसकी है वो इसको कंबाइंडली हम बोलेंगे, सिर्फ आप फर्स्ट काइंड नहीं बोलेंगे, फर्स्ट काइंड एंड द जंप ऑफ द फंक्शन ऑफ 2। तो फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि इसकी लिमिट्स की वैल्यू अलग अलग आ रही थी, और जो फंक्शन की वैल्यू 0 पे थी वो वैल्यू 0 थी, ये 1 थी और ये माइनस 1 थी, तीनों वैल्यूज डिफरेंट आ रही है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो आज के वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पढ़ा और देखा कि कैसे कैसे फंक्शन की कंटिन्यूटी में हम, अगर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आ रहा है तो किस तरीके से फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी को हम अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो आगे के जो वीडियोज़ हैं उसमें हम अब फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे और आगे देखेंगे कि बीटा गामा फंक्शन जो है इंटीग्रेशन में हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो बने रहिए।